दोस्तों अगर आपके पास नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन है तो आपके लिए आज का ये काउंटडाउन एकदम ही परफेक्ट है, क्योंकि आज के इस काउंटडाउन में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे वेब सीरीज के बारे में जिन्हें रिलीज की गई है रिसेंट नेटफ्लिक्स पर। यानी कि दोस्तों आज के इस काउंटडाउन में आप कुछ हिंदी डब्ड वेब सीरीज के बारे में भी जानने वाले हैं तो दूसरी तरफ हिंदी वेब सीरीज के बारे में भी जानने वाले हैं। तो दोस्तों समय की बर्बादी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा इंटरेस्टिंग काउंटडाउन। नंबर 7 पर है द डिकैमरॉन। कहानी की शुरुआत होती है पेरिस से, जहां पर महामारी फैल चुकी है, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे राजघराने के लोग हैं जो कि इस बीमारी से बचने के लिए अपने कजन के राजमहल में जाकर रहना शुरू कर देते हैं। और वहां पर जाते ही उनकी लाइफ कैसी होती है और वहां पर जाकर कौन कौन सा बवाल खड़ा होता है, ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। ये सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी जो कि कॉमेडी और ड्रामा देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। सीरीज के हर एक एपिसोड में कुछ ऐसे दृश्य दे दिए गए हैं जिसकी वजह से ये सीरीज वॉच एलोन की कैटेगरी में भी चली जाती है। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 10 में 5.6। इसे नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल की गई है। नंबर 6 पर है एलाइट सीजन 6। दोस्तों ये सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी जो कि टीनेज कॉमेडी ड्रामा और सेक्स ड्रामा देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एलाइट की सीजन 7 में बहुत सारी चीजों को अधूरा छोड़ दिया गया था और उन्हीं अधूरे चीजों को इस बार सीजन 8 में कंप्लीट करने की कोशिश की गई है। सीजन 8 में भी बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स आपको नजर आने वाले हो जाएंगे जो कि आप अपने फैमिली के साथ देखना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 10 में 7.2। इसे नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल की गई है। नंबर 5 पर है स्वीट होम सीजन 3। दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सीजन 1 और 2 में हमने देखा था कुछ लोग जो कि मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो चुके होते हैं और दूसरे लोगों को भी वो मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे भी नॉर्मल इंसान होते हैं जो कि इन मॉन्स्टर के हाथों से सर्वाइव करना चाहते हैं। लेकिन असल में इन मॉन्स्टर की शुरुआत किस तरह हुई और इन सभी मॉन्स्टर्स का खात्मा किस तरह होगा, ये सारी की सारी चीजें आप सीजन 3 में देखने वाले होते हैं। सीजन 3 स्पेशली उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी जो कि एक्शन और थ्रिलर सीरीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। सीरीज के 2 एपिसोड्स में आपको कुछ ऐसी चीजें भी नजर आने वाली होगी जो कि एटलीस्ट आप अपने फैमिली के साथ नहीं देखना चाहेंगे। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 10 में 7.8। इसे नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल की गई है। नंबर 4 पर है मास्टर ऑफ द हाउस। दोस्तों इसकी कहानी शुरू होती है एक ऐसे करोड़पति से जिसकी अचानक से ही रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है और यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। उसके जायदाद को बहुत सारे लोग हड़पना चाहते हैं और लास्ट तक उसके मौत के पीछे असल में क्या रहस्य छिपा हुआ है और इस जायदाद का मालिक असल में कौन होता है, ये सारी की सारी चीजें आप इस सीरीज में देख पाएंगे। सीरीज के प्रेजेंटेशन सच में अमेजिंग है, लेकिन दोस्तों दुख की बात यह है कि सीरीज फिलहाल सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल है। सीरीज यूं तो बहुत ही ज्यादा फ्रेश बनाई गई है, इसकी एक एपिसोड में आपको कुछ ऐसी चीजें नजर आने वाली होगी जो कि एटलीस्ट आप अपने फैमिली के साथ नहीं देखना चाहेंगे। इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 10 में 6.4। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। नंबर 3 पर है टोकियो स्विंडलर्स। दोस्तों ये पूरी की पूरी सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी जो कि एक्शन थ्रिलर ड्रामा देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कुछ ऐसे ई स्टेट बिजनेसमैन से जो कि लगभग 10 बिलियंस का घोटाला करते हैं, लेकिन असल में ये इस घोटाले को किस तरह अंजाम देते हैं और इस घोटाले की वजह से कितने सारे लोगों का नुकसान होता है, ये सारी की सारी चीजें इस सीरीज में दिखाई गई है। सीरीज के हर एक एपिसोड सच में अमेजिंग है। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 10 में 8.4। इसे नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल की गई है। नंबर 2 पर है क्लियो सीजन 2। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है क्लियो से, जो कि इस बार एक रेड ब्रीफकेस को किसी भी तरह से ढूंढ के निकालना चाहती है, लेकिन असल में इस रेड ब्रीफकेस के पीछे क्या मिस्ट्री छिपी हुई है और क्लियो लास्ट तक इस ब्रीफकेस को किस तरह ढूंढ के निकालती है, ये सारी की सारी चीजें इस सीरीज में दिखाई गई है। सीरीज की प्रेजेंटेशन सच में अमेजिंग है और ये सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी जो कि स्पाई और एक्शन सीरीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रिलीज की गई है, लेकिन दोस्तों इस सीरीज के कुछ एपिसोड्स में आपको कुछ ऐसी चीजें नजर आने वाली होगी जो कि एटलीस्ट आप अपने फैमिली के साथ तो देखना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 10 में 7.4। इसे नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल की गई है। नंबर 1 पर है सीए टॉपर। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे इंसान से जिसके बैंक में एक खतरनाक स्कैम होता है जिसकी वजह से वो पैसे निकाल ही नहीं पा रहा होता है अपने बैंक से, लेकिन इसी बीच उसके सामने बहुत सारी मुसीबतें आ जाती है जिसकी वजह से वो अपने घर का भी खर्चा नहीं उठा पा रहा होता है और यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। वो अपने घर के खर्चे को उठाने के लिए मेल प्रोस्टिट्यूट बन जाता है और मेल प्रोस्टिट्यूट बनने के बाद उसकी लाइफ कैसी होती है, ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज में आप हल्की फुल्की कॉमेडी एंजॉय करने
करने वाले हैं और हल्के फुल्के एक्शन भी एंजॉय करने वाले हैं। सीरीज की स्टोरी सच में माइंड ब्लोइंग है और ये सीरीज एटलीस्ट आपको किसी भी जगह पर बोर नहीं करने वाली होगी। इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 10 में 8.2। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये काउंटडाउन आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।